शहर में आई तीन बेवकूफ गवार बहुएं। सीता अपने तीनों बेटों के साथ दिल्ली में रहती थी। उमा, रजनी और रमा की शादी प्रेम देव और उमेश से हो जाती है और गांव की तीनों लड़कियां शहर आ जाती हैं। काम करने में तो तीनों माहिर ही थी, तो शादी के पहले ही दिन तीनों जल्दी उठकर नहा धो लेती हैं और घर की साफ सफाई करके नाश्ते में जुट जाती हैं। सीता जब उठकर ये सब देखती है तो कहती है, रमा, रजनी, उमा, आते ही तुम लोगों ने घर की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इन्हें अपनी बहू बनाने का फैसला मेरा बिल्कुल सही था। प्रेम, उमेश और देव नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं और सीता अपनी कुछ सहेलियों के घर चली जाती है। इधर रमा अपने कमरे की साफ सफाई करती है और बेड पर पड़ा उमेश का लैपटॉप धो देती है। ये डब्बे जैसा क्या है, वो भी इतना गंदा, पलंग पर रख के छोड़ गए हैं, तो पानी से धोकर धूप में सुखा देती हूँ। उधर रजनी भी अपने कमरे को ठीक करती है और अपने बेड पर पड़े बहुत सारे पेपर के टुकड़े को देखकर सोचती है, इतने सारे कागज के टुकड़े सब वेस्ट ही है लग रहा है, ऐसे फैला रखे, फेंक देती हूँ इन्हें। रजनी सारे पेपर को कचरे के डब्बे में फेंक देती है। शाम में जब उमेश, प्रेम और देव घर आते हैं, साफ सुथरा घर देख कर खुश हो जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मेरा लैपटॉप कहाँ है, मैंने तो यहीं रखा था। वो जी, उस डब्बे को तो लैपटॉप कहते हैं, हाँ, वो बहुत गंदा हो रहा था तो मैंने उसे सरफ लगा कर धो दिया और सुखाने के लिए धूप में रख दिया है, बस सूखी क्या होगा। ये सुनकर उमेश अपना माथा पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, गवार कहीं कि तुम्हें पता नहीं है क्या, इलेक्ट्रॉनिक सामान को धोते नहीं है, माँ भी ना गांव की लड़की लानी थी उन्हें। उधर देव अपने पेपर को ढूंढने लगता है और देखता है कि वो डस्टबिन में पड़े हैं। रजनी, ये पेपर किसने यहाँ फेंके, ये कितने इम्पोर्टेंट है तुम्हें पता है, मेरी नौकरी भी जा सकती है अगर ये नहीं मिलते तो। जी, ये तो मैंने ही फेंके हैं, मुझे लगा कि ये बेकार है। दिमाग तो खराब नहीं तुम्हारा, पढ़ी लिखी नहीं हो क्या, गाँव में कोई लड़की पढ़ती ही कहाँ है जी। ओ शिट, किसे ले आया मैं। अगले दिन उमा सुबह उठते ही गाय का गोबर जमा कर लेती है और घर को गोबर से लीपने लगती है। सीता जब अपने तीनों बेटों के साथ नाश्ते के लिए टेबल पर आती है तो बदबू से उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। ये सब क्या है उमा, ये तुम्हारा गाँव नहीं है, उल्टियाँ करवाओगी क्या हमें। ए जी, आपको पता भी है इससे घर में लक्ष्मी आती है। सीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, ये हॉल में लगाने के लिए नहीं है, ये सब घर के बाहर के लिए है। माँ जी, गोबर से घर का वातावरण शुद्ध होता है। माँ, तुमने हमारे पल्ले कैसी लड़कियों को बांध दिया है। बिना नाश्ता किए तीनों ऑफिस चले जाते हैं। यूं ही दिन बीतने लगते हैं और उमेश, प्रेम, देव अपनी अपनी पत्नियों से बहुत ही उदास रहने लग जाते हैं। रोज उमेश के कुछ दोस्त अपनी अपनी बीवियों के साथ होटल में जाने का प्लान बनाते हैं और मजबूरी में उमेश को भी रमा को अपने साथ होटल ले जाना पड़ता है। रमा की सुंदरता की सभी बहुत तारीफ करते हैं और फिर खाना खाने लगते हैं। मन ही मन उमेश परेशान रहता है, कहीं ये बेवकूफ कोई गड़बड़ ना कर दे, इन लोगों के सामने मेरी इज्जत ही कुछ नहीं रहेगी। सभी लोग खा पी लेते हैं, तभी वेटर फिंगर बोल लेकर आता है। रमा फिंगर बोल में सूप डालकर नींबू निचोड़ लेती है। ये देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। भाभी, ये हाथ धोने के लिए है, पीने के लिए नहीं है, लगता है कि पहली बार ऐसी जगह आई है। उमेश शर्म से पानी पानी हो जाता है और रमा को घर जाकर बहुत ही खरी खोटी सुनाता है। गवार कहीं कि आज के बाद कहीं भी नहीं जाओगी तुम मेरे साथ। इधर उमा देखती है कि उसके कमरे में एक बॉटल पड़ी है। उमा परफ्यूम समझकर काला हिट अपने ऊपर मार लेती है और बेहोश हो जाती है। प्रेम बेहोश उमा के पास काला हिट देखकर सब कुछ समझ जाता है और पानी छिड़क कर उमा को उठाकर कहता है, अरे जाहिली, ये मच्छर मारने की दवा है, कोई परफ्यूम नहीं है जो लगा लिया, पता नहीं किस घड़ी में मैंने तुमसे शादी की थी। सीता तीनों बहुओं से बहुत दुखी होकर उन्हें अपने मायके लौट जाने को कहती है। मुझे नहीं पता था कि तुम तीनों इतनी बेवकूफ हो, वरना मैं अपने बेटों की शादी तुम तीनों से नहीं करती। सीता इतना कहकर बाथरूम में चली जाती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। अब अरे कोई है, अब मुझे उठाओ।
तीनों बहुएं जो कि रोते हुए अपने मायके के लिए निकल रही होती हैं, सीता की आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए भागती हैं, उसे उठाती हैं और हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सीता की कमर टूट चुकी है। ये बात पता चलते ही उमेश, प्रेम और देव भी हॉस्पिटल चले जाते हैं। अगर पेशेंट को टाइम पर नहीं लाया जाता तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। सीता का ऑपरेशन हो जाता है और उसे घर ले आते हैं। उमा, रजनी और रमा सीता की बहुत सेवा करती हैं और उसे पहले की तरह फिट कर देती हैं। पूरी तरह से ठीक होने के बाद रजनी कहती है, माँ जी अब हम तीनों को जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं, तुम तीनों कहीं नहीं जाओगी। बेवकूफ बहू ही चाहिए मुझे। कोई शहर की तेज तर्रार बहू होती तो कभी मैं बच नहीं पाती। शहर के तौर तरीके मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सीता तीनों को शहर में रहने का ढंग सिखाती है और घर पर ही ग्रूमिंग क्लास लगवा देती है। कुछ ही दिनों में उसकी तीनों गवार बेवकूफ बहुएं शहर की किसी मॉडर्न बहू से कम नहीं लगती। जूस तो ले आइए, इसे पिलाएगा कौन? आ, पास बैठकर पिला भी दे। आप अमीर हो तो गरीब को कुछ भी बोलोगे। मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो विनय बाबू। आराधना अपनी बीमार माँ शांता और छोटी दिव्यांग बहन उर्मी के साथ रहती थी। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी और वो गन्ने के जूस की एक दुकान पर डिलीवरी गर्ल का काम करती थी। अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है आराधना? ये सुनकर आराधना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, माँ की तबीयत तो ठीक नहीं है विकास बाबू, दिन पर दिन खराब ही होती जा रही है। तुम चिंता मत करो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। ये कहकर विकास पैसे गिनने लगा और आराधना ने पूछा, कोई ऑर्डर है क्या? हाँ है, शांतिलाल की कोठी पर 10 ग्लास जूस पहुँचाओ। ठीक है, मैं अभी पहुँचा देती हूँ। ये कहकर आराधना गन्ने का जूस बनाकर शांतिलाल के घर देने चली गई और जब वो वहाँ से लौटी तो उर्मी पहले से ही उसके इंतजार में खड़ी थी। दीदी दीदी जल्दी से घर चलो, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। ये सुनकर आराधना सब काम छोड़कर घर की तरफ मुड़ जाती है। माँ तुम ठीक तो हो ना? माँ अब तो इस संसार से विदाई का समय आ गया है बेटी। मेरे मरने के बाद उर्मी का पूरा ख्याल रखना। हाँ माँ, हाँ मैं उर्मी का पूरा ख्याल रखूंगी। देखना इसे पढ़ा लिखा कर बड़ी अफसर बनाऊंगी माँ। आराधना ये कह ही रही होती है कि तभी शांता दम तोड़ देती है, माँ माँ हमें अकेला छोड़कर मत जाओ माँ। दीदी दीदी माँ से कहो हमें अकेला छोड़कर ना जाए। दीदी दीदी प्लीज माँ। शांता की मौत के बाद आराधना को हर समय उर्मी की चिंता रहने लगती है। वो उसकी पढ़ाई पर पहले से ज्यादा जोर देने लगती है। उर्मी मेरी बहन, कुछ भी हो तू अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। मेरा सपना तुझे बड़ा अफसर बनते देखना है। तू मेरा ये सपना पूरा करेगी ना? हाँ दीदी जरूर पूरा करूंगी। एक दिन उर्मी को स्कूल की प्रिंसिपल ने बुलाया। उर्मी तुमने 3 महीने से फीस जमा नहीं कराई है, कल क्लास में बैठने से पहले फीस जमा हो जानी चाहिए, समझी? जी मैडम। स्कूल से घर आते ही उर्मी ने ये बात अपनी बड़ी बहन को बताई। दीदी मेरी स्कूल की फीस जमा करा दो वरना मैं कल से स्कूल नहीं जा पाऊंगी। तू चिंता मत कर, मैं तेरी फीस कल ही जमा करा दूंगी, पर तू स्कूल ना जाने की बात कभी मत करना, समझी? आराधना ने उर्मी की फीस के लिए कई जगह से पैसे मांगे मगर कहीं से उसे पैसे नहीं मिले। उसी दिन वो शांतिलाल की पत्नी शारदा को गन्ने का रस डिलीवरी करने जाती है। अरे ये तो बहुत कीमती नेकलेस है, जरूर शांतिलाल की पत्नी का होगा, उसे दे देती हूँ। आराधना नेकलेस को शारदा से दिखाते हुए बोली, देखिए माँ जी ये नेकलेस आपका है ना? अरे हाँ मेरा लाखों का नेकलेस, क्या इतना कीमती नेकलेस देखकर तुम्हें जरा भी लालच नहीं आया? दूसरे की चीज का क्या लालच करना माँ जी। ये सुनकर शारदा बहुत खुश हुई और उसे कुछ रुपए देते हुए बोली, ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम, तुमने मेरा लाखों का नुकसान होने से बचा लिया। नहीं माँ जी मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? ये सुनकर आराधना की आंखों में आंसू तैरने लगे और वो बोली, अगर कुछ देना ही है तो मुझे थोड़ा कर्ज दे दीजिए, मुझे अपनी छोटी बहन की स्कूल की फीस जमा करनी है। तेरे जैसी भली लड़की को
मैं मना नहीं कर सकती, तुझे जितना कर्ज चाहिए मिल जाएगा। शारदा ये कह ही रही थी कि तभी उसका बेटा विनय वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, ये कर्ज लौटा भी देगी मॉम, कहीं बाद में पछताना ना पड़े, सोच लो। मुझे हीरे और कंकड़ का फर्क अच्छी तरह से मालूम है बेटा, ये आराधना खरा हीरा है हीरा। माँ की ये बात सुनकर विनय मन ही मन सोचने लगता है, हाँ हीरा तो है, बदन तो देखो कोहिनूर हीरे के माफिक चमक दमक रहा है। जी में तो आता है कि इस हीरे का अभी के अभी दाम लगा दूं, लेकिन घर पर मॉम है इसलिए चुप हूँ। आराधना ने शारदा से कर्ज लेकर अपनी बहन की फीस भर दी और फिर कुछ दिन बाद, अरे आराधना शांतिलाल के घर गन्ना जूस दे आओ भाई, 5 बड़े वाले ग्लास का ऑर्डर है। अभी दे आती हूँ विकास बाबू। आराधना गन्ने का जूस लेकर शांतिलाल के घर जाती है और देखती है कि वहाँ विनय और उसके दोस्तों के सिवा कोई नहीं होता। जूस तो ले आई है, इसे पिलाएगा कौन, आ पास बैठकर पिला भी दे। आप अमीर हो तो गरीब को कुछ भी बोलोगे, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो विनय बाबू। अगर मैं हाथ ना छोड़ू तो क्या करोगी? मैं चिल्लाऊंगी और तुम्हारी बदतमीजी के बारे में सबको बता दूंगी। अगर मैं तुमको मुंह मांगे पैसे दूं तो? ये सुनकर आराधना को विनय पर क्रोध आ जाता है। मैं एक इज्जतदार गरीब लड़की हूँ विनय बाबू, मैं कोई बाजारू लड़की नहीं जो तुम्हारे पैसे पर मर जाऊँ। अब बहुत हुआ, आगे एक शब्द भी मत बोलना बस। तू क्या समझती है कि मैं तेरी धमकी से डर जाऊंगा? मेरे पास इतना पैसा है कि तेरे जैसी बीसियों को खरीद लूं। चल चुप करके आ इधर। ये कहकर विनय ने आराधना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, मगर तभी वहाँ शारदा आ गई और उसे देखते ही आराधना फूट फूट कर रोने लगी। विनय ये क्या है? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस इसके साथ मजाक कर रहा था। आपके अमीर बेटे और इनके दोस्तों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है माँ जी। ये सुनकर शारदा बोलती है, मेरा बेटा इतना नीचे गिर सकता है मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, मैं इसे और इसके दोस्तों को अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, मेरी इज्जत बच गई वही बहुत है, कैसे रहने दूँ? किसी लड़की की इज्जत की क्या कीमत होती है, ये सबक तो इनको सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर शारदा ने पुलिस को फोन कर दिया और, हम आराधना से माफी मांग लेते हैं मॉम, हमें पुलिस थाने मत भेजो प्लीज, हम आगे कभी ऐसी हरकत भूलकर भी नहीं करेंगे। ऐसे गंभीर अपराध के लिए माफी कोई मायने नहीं रखती बेटा, इसकी सजा तो तुम सबको भुगतनी ही पड़ेगी। इंस्पेक्टर ले जाओ इनको। पुलिस विनय और उसके दोस्तों को थाने में ले जाती है और फिर शारदा आराधना के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, बेटी मैं अपने बेटे की करतूत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो माफ कर देना मुझे। कसूरवार को तो आपने सजा दे दी है माँ जी, फिर आप माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि मैंने उसे दौलत तो बहुत दी मगर संस्कार ना दे सकी, जो दौलत से भी ज्यादा जरूरी है। ये कहकर शारदा रोने लगती है। अब क्या हुआ माँ जी, क्या बेटे से दूर होने का दुख सताने लगा है आपको? दूर होने का नहीं बल्कि उसके भविष्य की चिंता सताने लगी है बेटी, मैं तो उसके लिए तुम्हारा हाथ मांगने वाली थी मगर निकम्मे ने सब चौपट कर दिया। ये सुनकर आराधना चौंक जाती है, मेरा हाथ माँ जी, पर मैं तो बहुत गरीब लड़की हूँ। पर गुणों और विचारों में हमसे बहुत अमीर हो, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी बेटा। ये कहकर शारदा चुप हो गई और आराधना भी वहाँ से चली गई। फिर इसके कुछ ही घंटों बाद आराधना विनय को साथ लेकर शारदा के सामने आ जाती है। विनय तू यहाँ कैसे? मैंने इन्हें पुलिस से छुड़वा लिया है माँ जी, सुधरने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। जब आराधना ने ही मुझे माफ कर दिया है तो अब तुम भी कर दो ना माँ। विनय में ये बदलाव देखकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। बेटी तूने एक दुखी माँ का दुख दूर करके बहुत बड़ा पुण्य किया है, ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे। ये कहकर शारदा ने आराधना को गले लगा लिया और फिर अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। इस तरह गरीब आराधना और उसकी छोटी बहन उर्मी का जीवन तो संवर जाता ही है, साथ ही शारदा को भी गुणवती बहू मिल जाती है।